सो गाइस अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं और लाइक अभी कितना 12:30 के करीब हो रहा है और ये घर जाने के लिए बहुत छटपट आ रहा है, कह रहा है वाइफ को छोड़ के। इसको तो पहचानते होंगे, नवंबर में इसका शादी करवाया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि टाइटल थंबनेल देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, आज है मेरे दोस्त का शादी। वैसे मैं शादी में नहीं जा रहा हूँ, अभी दोपहर के 12 बज रहे। एक्चुअली मैं सुबह से थोड़ा सो रहा था, टीम मेंबर्स एक्चुअली पहुँच गए वहाँ पर। देखो यार, शादी होता है तो मतलब यार दोस्त में नाचने भी जाना है और काम भी करने जाना है, तो अभी मैं थोड़ा देखने जा रहा हूँ मतलब टीम मेंबर्स काम कर रहे या नहीं कर रहे। और विकास दा के घर से मुझे गिम्बल लेके टीम मेंबर्स को देना है, फिर घर आके थोड़ा फ्रेश वगैरह होऊंगा, फिर शाम को आराम से आऊँगा नाचने। और बहुत दिनों बाद एक दोस्त का शादी मिला जहाँ पे मतलब एज अ गेस्ट जा रहा हूँ, मतलब टीम मेंबर तो काम करेंगे, मैं काम भी नहीं करूँगा कुछ भी। तो ओवरऑल ब्लॉग में बने रहो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अभी धूप देख रहे हो यार, 12 बज रहे, कड़क, बिल्कुल कड़क वाली धूप है। और ये सही है, रास्ता हो गया ना तो बारिश में अब प्रॉब्लम नहीं होगी, रास्ता बिल्कुल मस्त वाला कर दिया सरकार ने, तो सही है। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, थोड़ा काम निपटाते हैं और शादी के घर जाके दिखाता हूँ, दोस्त से भी मिलवाता हूँ, सब चीज़ होगा। ब्लॉग में बने रहो और चलो ब्लॉग एंजॉय करो। मैं पहुँच चुका हूँ, ये रहा उनका घर। और ये बस गिम्बल लेना था तो वो ले लिया, और रोड क्रॉस करना उस साइड जाता हूँ, पहले टीम मेंबर से मिलता हूँ। सो गाइस, इनको देखो, ऐसा लग रहा है खुद के शादी में आया हुआ। चंदन तो फुल बिल्कुल गोवा वाली फील पर, और अभिजीत और ये शर्ट का बटन लगा रहा है कैमरा देख के। और ये वाला चीज़ लेने गया था मैं विकास दा के घर, और मैं अभी फ़िलहाल अपने घर जा रहा हूँ। और वैसे कवर अच्छा है, ऐसे कवर के लिए कॉन्टेक्ट करें मुझसे। 300 रुपये? चलो बाकी यहाँ से मैं घर चलता हूँ, फिर शाम को रेडी होकर आऊँगा, तो शाम से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गुड इवनिंग गाइस, मैं और शाम को गया नहीं हूँ, टीम मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी तक आपका शादी वगैरह वगैरह कुछ भी फोटोग्राफी रिलेटेड काम है तो डू कॉन्टैक्ट मी। और मेरा एक चैनल भी है, चैनल कह रहा हूँ सॉरी, चैनल तो है ही है, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह जहाँ डालता हूँ मतलब वेडिंग रिलेटेड काम। और इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो। अभी लाली भी रेडी है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। वैसे प्लान था कुर्ता उर्ता पहनने का, लेकिन एक दोस्त ने कहा कि भाई गर्मी बहुत है और थोड़ा डांस वगैरह भी करेंगे, इसलिए कुर्ता बिल्कुल नहीं पहनना। और अभी बस 2-3 दिन हूँ, उसके बाद फिर बिहार जाना है, बिहार में एक काम है। अभी ना सीरियसली बताऊँ, इतना डर लग रहा है, ट्रेन बसेस वेस्ट बंगाल में ऐसा हाल हो रखा है, एक तो गर्मी, ऊपर से बस और ट्रेन का इतना एक्सीडेंट हो रहा है ना, फिर हमारी रात वाली ट्रेन है, तो मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, अभी फ़िलहाल फैमिली के साथ हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और चलो अब यहाँ से निकलते हैं, पहले एक दोस्त को पिक करूँगा, उसने भी कह दिया कि भाई बाइक से जाएंगे, मतलब मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर मेरे दोस्त का घर, वहाँ से लड़की वालों का घर 3 से 4 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहले उसके घर जाता हूँ, मतलब उसका भी मैंने शादी करवाया था नवंबर में, तो उसके घर जाता हूँ, उसके बाद वहाँ से शादी वाले घर जाएंगे, फिर थोड़ा डांस वांस करेंगे। और इन्जॉय करो आप भी, और मैं भी आज इन्जॉय करता हूँ क्योंकि दोस्त की शादी है तो बहुत नाचूँगा मैं तो। तो गाइस, पहले उस दोस्त को मैं पिक करने हैं, तो उसके घर में जैसा है तो आम दे दिया और लीची दे दिया, वैसे बहुत अच्छा लगा खा के। और ये उनके पापा बैठे हैं, उनकी टीवी भी चल रहा है इधर, धान के खेत कह रहा हूँ, धान का बोरा रखा हुआ था। तो चलो ये ख़त्म करते हैं, फिर शादी वाले घर पहुँचते हैं। और पहुँच के देखा हमारे दूल्हा साहब फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनको बात करने का टाइम ही नहीं है, हम लोग ऐसे लेटे पड़े हुए हैं। और ये रात तन्मय, इसी के घर से आया मैं आम खा के। तो भाई साहब, रूम के अंदर इतनी गर्मी है ना, मैं बाहर आ गया, थोड़ा लाइटिंग वगैरह देखा, डेकोर वगैरह देखा, रात को वैसे डेकोर वगैरह देखने का मज़ा ही अलग है। और सब पूछे थे भाई तू कब शादी करेगा, इसका गाड़ी भी रेडी है वैसे, और ये बाराती जिसमें जाएंगे उस वाले गाड़ी भी रेडी है, तो मैं तो बाइक लेके बिल्कुल रेडी था। तो भाई, इस गाँव की वेडिंग ऐसी होती है। और अभी थोड़ा लाइट में आके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अभी हम लोग लड़के वालों के वहाँ पहुँच चुके हैं, तो अभी मेरा दोस्त आया नहीं, मतलब वहाँ पे ढोल वगैरह बजा बजा के आएंगे डांस वांस करके, तो चलो थोड़ा डांस वगैरह करते हैं, फिर बाकी बात करते हैं।
ऐसे हर जगह रिचुअल्स होता है, दूल्हे को एंट्री नहीं देते, पैसे मांगते, पर उनके सालिया पैसे ही मांग रहे थे और हम लोग भी यहाँ से पैसे नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा मजाक मस्ती चल ही रहा था। बाकी जैसे तैसे करके हम लोगों ने एंट्री तो कर ही लिया। सो गाइस अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं और लाइक अभी कितना 1:30 के करीब हो रहा है और ये घर जाने के लिए बहुत छटपट आ रहा है, कह रहा है वाइफ को छोड़ के, इसको तो पहचानते होंगे, नवंबर में इसका शादी करवाया था, तो कह रहा है अभी मतलब पता नहीं क्यों क्या जिद कर रहा है, कह रहा है यहाँ नहीं रहना मुझे, बस बीबी के पास जाना है। कोई नहीं, इसको जल्दी दो चिकन, और चिकन आ गया इसका, भाई खा के जल्दी से निकलो, फोन भी आ रहा है, फोन पे फोन आ रहा है इसका। सो गाइस जस्ट हम लोगों ने डिनर किया और थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ पंडाल से बाहर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी लगभग 1 बज रहा है, और सही में ना शादी ठंड में करो, गर्मी में शादियाँ बहुत मुश्किल है और इतना ज़्यादा गर्मी है मैं बता भी नहीं सकता। मैं सोचता हूँ घर चला जाऊँगा, क्योंकि वैसे लड़के काम कर रहे हैं, मैं बैठ के रात जाके कोई फ़ायदा नहीं है, कल कुछ और काम कर लूँगा, किसी के एल्बम वगैरह डिलीवरी देना होगा तो वो जाके कोरियर ऑफिस चला जाऊँगा। तो तन्मय कह रहा था चले जाएंगे, तो देखो खाना तो हो गया, बस मानस को बाय बाय बोल के चले आएंगे। और गांव की वेडिंग ऐसी होती है यार, शहर में क्या होता है ना पूरा लाइक हॉल वगैरह बुक करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ इतने ज़मीन है ना सबके पास, तो घर में ही होता है सारी चीज़ें। बाकी चलो क्या होता है दिखाता हूँ, नहीं तो सीधा घर चला जाऊँगा मैं। सॉलिड गाइस, कल रात को मैं वेडिंग से आ गया, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा और मच्छर इतने थे ना, तो बाकी मैं रिचुअल्स वगैरह तो दिखा नहीं पाया। और वेडिंग का हर जगह का सेम ही रिचुअल्स होता है, गांव में थोड़ा सा क्या होता है थोड़ा सा अलग होता है कुछ कुछ रिचुअल्स, वो किसी और लाइक ब्लॉग में हम कर लेंगे कंप्लीट। बाकी अभी देखो एल्बम कोरियर करने जा रहा हूँ, ये एल्बम बिल्कुल वुडन का कवर है और एक नंबर एल्बम बनाते हैं, काम भी दिल से करते हैं। अगर आप लोगों की वेडिंग्स वगैरह है नेक्स्ट सीजन में, अपकमिंग सीज़न में, तो डू कॉन्टैक्ट मी और मेरा पेज है शादी सूत्र, जाके फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।